हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम मेहंदी की जो बेसिक डिजाइन बनाएंगे, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, हमारा एक और भी चैनल है जिसका नाम है अशेक ऑल्टर्स वीडियो, तो आप लोग को वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। आपको वहां पे जो है होलसेल में कुर्तीज, प्लाजो, पैंट, पैजामा और जो है मीटर वाले कपड़े, डिजाइनर कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो आपको अशेक ऑल्टर्स वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम मेहंदी की बेसिक मेहंदी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें पहले जो है फोर ए ड्रॉइंग बुक चाहिए होगा, एक पेंसिल चाहिए होगा, एक स्केल चाहिए होगा और एक न्यूज़पेपर यहाँ पे रखने के लिए, ताकि जब हम बनाए तो यहाँ छापा नहीं आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मेरा बन चुका है, पर हाँ, जैसे कि आप स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले मैंने यहाँ पे जो है अभी न्यूज़पेपर रखी हूँ अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पे न्यूज़पेपर रखना है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बुक, तो यहाँ पे आपको जब यहाँ पे जब आप बनाओगे ना, तो आपका जो है छापा पीछे नहीं आएगा, और आएगा भी तो हल्का सा आएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट बनाते हो ना, तो पूरा का पूरा छापा जो है इधर आ जाएगा, फिर आपको जो नेक्स्ट डिजाइन बनाने में थोड़ी परेशानी होगी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर रख लेना है और फिर यहाँ पे आपको डिजाइन बनाना स्टार्ट करना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको इसी तरीके से जो है फोर ए ड्रॉइंग बुक ले लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, तो साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ मैं भी प्रैक्टिस करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने जो है जम्बो बुक ले ली हूँ फोर ए, और फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है बॉक्स बनाएंगे, और किस तरीके से बॉक्स बनाते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो जो साइज का मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं कि आप वो साइज का बनाएं, आप चाहे तो छोटे साइज का भी बना सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा साइज का बनाना चाहते हैं। और इधर पे जो है मैं अभी यहाँ पे जो है न्यूज पेपर रख लूंगी, ताकि जब हम यहाँ पे जो डिजाइन बनाए तो छापा नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से मैं इस तरीके से फोल्ड करके जो है यहाँ पे न्यूज पेपर रख लूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर रख ली। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं एक लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद यहाँ से मैं लेके यहाँ पे जो है मैं 11.5 इंच, फिर यहाँ से 11.5 इंच, 11.5 इंच पे एक लाइन मारूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ड्रॉ करूंगी तो यहाँ से 8.5, 8.5 और फिर यहाँ पे 8.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है हमारा 3 बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने 11.5 इंच, 11.5 इंच और 11.5 इंच का इस तरीके से, और यहाँ से आप देखते हैं यहाँ से 8.5, 8.5 लेके मैंने इस तरीके से जो है बॉक्स तैयार कर ली, और फिर बॉक्स के अंदर इस तरीके से फिर से बॉक्स बनाना। तो मैं जानबूझ के खाली छोड़ी हूँ, ताकि समझ में आपको आ जाए कि किस तरीके से बॉक्स बनाना है। और जरूरी नहीं है आप यही साइज का बॉक्स बनाए, आप चाहे तो जैसे कि 11.5 ली तो आप 8.5 का भी बॉक्स बना सकते हैं, तो आपका 4 बॉक्स आराम से आ जाएगा। हाँ, और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो साइज इसके भी जो है 8.5 है, तो आप 6 इंच 5 इंच का बॉक्स इस साइड से भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कोई भी साइज का। बस ये हमें इसलिए बनाना है कि हम जब बनाते हैं तो डिजाइन जो हम भूले नहीं, जैसे हम मेहंदी छोड़ देते ना तो फिर भूल जाते हैं, तो ये बुक इसके लिए तैयार कर रहे हैं हम कि जब हम मेहंदी अगर छोड़ भी देते तो हमें याद आ जाएगी, हम अपनी बुक में डिजाइन देख लेंगे। अपनी एक जो बुक की जो डिजाइन संभाल के रखने के लिए हम बना रहे हैं, इसके लिए इस तरीके से बना रहे हैं। जरूरी नहीं आप कोई भी साइज का बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने न्यूज पेपर लगाई, अगर न्यूज पेपर नहीं लगाएंगे तो किस तरीके से छाप पाता है आपको बताती हूँ। पे जो मैंने ये जो बुक में बनाई थी ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर मेरा हट गया था, मैं भूल गई थी, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा छापा आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं मेहंदी की जो बेसिक डिज़ाइन बना रही हूँ, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्कल बना लेना है, फिर उसके बाद ना उसके हमें ना स्कैलप बनाना है। और यहाँ पे जो है मैं जो है डबल स्कैलप बना रही हूँ, आप चाहे तो सिंगल भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, पर जो डबल स्कैलप होते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डबल स्कैलप बना रही हूँ। और जैसे कि स्कैलप हो गया और डॉट हो गया और चेक डिज़ाइन हो गया, जब हैंड पे हम मेहंदी लगाते हैं तो ये काफ़ी काम में आता है। तो फ्रेंड्स, स्कैलप से जो काफ़ी सारी डिज़ाइन में जो है काम में आता है, तो आपको क्या करना है, स्कैलप की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और फ्रेंड्स, जो ये जो बॉक्स मैंने जो है काफ़ी बड़ा बनाई हूँ, आप चाहे तो इससे छोटे साइज़ का भी, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस साइज़ में जो चाहते हैं बॉक्स, उस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके रख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से पहले मैंने पूरा जो है बना ली। और आपको पहले क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, फिर उसके बाद आपको जो है स्कैलप बनाना है। स्कैलप की आप डबल स्कैलप भी बना सकते हैं, सिंगल स्कैलप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स डबल स्कैलप बनाई। तो इस तरीके से आपको बुक में बना लेना है। और सबसे पहले जैसे कि आपको एग्जाम पैड पे या आपको जो है शीट होती है ना प्लास्टिक की शीट, मैंने आपको बताई जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो उस तरीके से उस पर पहले आपको जो सिंगल लाइन और फिर बोल्ड लाइन स्कैलप की जो प्रैक्टिस कर लेना है। फिर इसके बाद आपको अगर ये जरा भी नहीं जम रहा जैसे बुक पे, तो आपको पहले उस पर प्रैक्टिस कर लेना है, और जो आपके पास शीट होगी एग्जाम पैड, और फिर उसके बाद इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। और ये आप इस तरीके से बना के रख लेंगे ना, तो आपका क्या फायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे आपने जो है प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, और आप अच्छे से मेहंदी सीख लिए, पर कभी कभी क्या होता है हम जो है कुछ महीनों के लिए या कुछ साल तक हम जो मेहंदी छोड़ देते हैं, फिर आप जब आप बनाने लगेंगे ना तो आपको ना नहीं समझ में आएगा, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके पास बुक रहेगी ना बनी हुई, तो आप कभी भी वापस से जो है बुक खोल के देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, फिर आप इस तरीके से वापस से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो होती है यादगार बुक हो जाती है इस तरीके से। और इस पे आप जैसे कि फेविकॉल लगा के, और या तो जैसे कि सेलो टेप लगा के, ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगा के आप इस पे रख सकते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या तो सूखने के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें से मेहंदी जो निकलने लग जाती है। तो आप इस तरीके से अगर इस पे सूखने के बाद फेविकॉल या तो ट्रांसपेरेंट सेलो टेप भी आप इस पे लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर का क्या फायदा है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता चुकी हूँ कि न्यूज़पेपर से जो है छापा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जरा भी छापा नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर रखे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दो तीन डिजाइन एक साथ में सीखेंगे।